धर्म की राजनीति, कोई गंदी लैंग्वेज, कोई गाली की लैंग्वेज, इससे कोई राजनीति चलती है सर? हम लोग चांद पे पहुंच गए और हम लोग आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह इंडिया को देख रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारा विश्व गुरु बन गया, देश बहुत आगे। पूरा वर्ल्ड बड़े शर्मिंदगी उठा रहा होगा कि वहाँ के एक MP और MP को चुने हुए MP को ऐसे गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राहुल गांधी ने एक छोटी सी गलती करी थी, आपने उनकी संसद छीन ली थी, फ्लैट छीन लिया था और मानहानि का केस कर लिया। एक मंदिर है, आप अपनी मर्यादा के अंदर बोलिए, आप लड़िए, आप ओपनली कह रहे हैं किसी को कि मैं तुझे देख लूँगा ये वो। जी हाँ नमस्कार, मैं सोनवीर यादव टुडे न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे लोगों से कि संसद का नई संसद सदन का उद्घाटन हुआ है और उसमें लोगों की कुछ मर्यादित अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग अधिकतर जो नेता हैं वो कर रहे हैं, कहने की जनता पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसको लेके जनता से जानेंगे क्या जिन नेताओं को चुनके उन्होंने भेजा था, क्या वो इस तरह के जो व्यवहार करेंगे उससे जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर आपका नाम क्या है और क्या लगता है क्या प्रभाव? मेरा नाम ओम प्रकाश खुराना है। देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने कल ये वीडियो वायरल काफ़ी फास्ट हुई है। सदन आप उसको एक सदन मत कीजिए, वो ना एक मंदिर है जहाँ पे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए वहाँ से भविष्य निकलते हैं। जो मैंने कल उनकी जो आपके सांसद हैं मिस्टर रमेश भदूड़ी जी ऐसी लैंग्वेज यूज करी है तो मेरे बड़ा मन पीड़ा हुई। आप फाइट कीजिए, लड़िए, आप अपनी मर्यादा के अंदर लड़िए। आप ये मत समझिए कि आपको इंडिया देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देखता है इस चीज़ को। अब ये चीज़ें मैं जब रात को सर्च कर रहा था, पूरा वर्ल्ड बड़े शर्मिंदगी उठा रहा होगा कि वहाँ के एक MP और MP को चुने हुए MP को ऐसे गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो मैं सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ के स्पीकर से ही से कहूँगा, स्पीकर जी पे एक्शन होना चाहिए। आप रमेश भदूरी जी को छोड़ दीजिए और जो दूसरे हैं MP उनको भी छोड़ दीजिए, आप वहाँ बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। हो दी यार, राहुल गांधी ने एक छोटी सी गलती करी थी, आपने उनकी संसद छीन ली थी, फ्लैट छीन लिया था और मानहानि का केस कर लिया था। तो हम लोग यही चाह रहे हैं ना कि आप 2 लाखों एक आग से दो जगह डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कानून दो तरफ देख रहे हैं, एक तरफ नहीं देख रहे, ये मेरे कहने का मतलब है। सर लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे विपक्ष के अगर नेता हैं उनकी बात की जाए तो वो भी इस तरह की अमर्यादित भाषा का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी कई बार सनातन को लेकर टारगेट किया गया, कई बार और अभद्र जो है टिप्पणी की गई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए एक ना टिप्पणी होती है, अब मैं टिप्पणी कर दूँ यहाँ पे, एक पब्लिक इसमें टिप्पणी अलग चीज़ है, आप कुछ भी कह दीजिए, बहुत चीज़ें अगर उधेड़ेंगे तो बहुत चीज़ें निकलेंगी। जो कांग्रेस की विधवा, चाय वाला, फकीर, तो ये चीज़ें आप ऑन कैमरा एक सदन के अंदर बातें कर रहे हैं सर, पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। सदन वो नहीं है, सदन आप समझ रहे, सदन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो एक मंदिर है। आप अपनी मर्यादा के अंदर बोलिए, आप लड़िए, आप ओपनली कह रहे हैं किसी को कि मैं तुझे देख लूँगा ये वो, मतलब ये चीज़ मेरे को बड़े पीड़ा हुई है, मैं आपको ये कहने का मतलब है। तरफ जो उन्होंने कहा था उनको लेके क्या लगा कि उन्होंने तो लगातार जो सनातन धर्म को कई बार टारगेट किया, HIV बोला, कोरोना बोला और जो पोटेशियम साइनाइड बोला, जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयानों को लेके भी कहीं ना कहीं लोग आहत हैं, उसके और लेके क्या? देखिए मेरे ना सारी पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप ना राजनीति के अंदर कभी भी धर्म को मत लाइए, कोई गंदी लैंग्वेज मत लीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग को इंडिया देखता है, पूरा इंटरनेशनल देखता है आपको, हमारे लोगों की छवि बहुत ख़राब होती है। तो ये आप लोग अपने पढ़े लिखे हो, आप लोग हो, हम लोग जनता चुन के लाते हैं आपको। हाँ किसी को तकलीफ है वो आपको 5 साल में बताएंगे हम कि हमें आप लोगों से तकलीफ है। आप एक लॉजिकल के हिसाब से राजनीति क्यों नहीं चलाते? कोई धर्म की राजनीति, कोई गंदी लैंग्वेज, कोई गाली की लैंग्वेज, इससे कोई राजनीति चलती है सर? हम लोग चांद पे पहुंच गए और हम लोग आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह इंडिया को देख रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारा विश्व गुरु बन गया, देश बहुत आगे निकल गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है। ये तो धर्म की राजनीति की बात रही, लेकिन अगर कहा जाए तो जो राजनेता है, जो भारत में राजनीति चलती है वो इसी चीज़ को लेकर चलती है। और इस बार के जो चुनाव है क्या लगता है कि धर्म की राजनीति पे ही चलेंगे या फिर विकास और प्रसार पे चलेंगे? देखिए जो हमारी अपनी सोच है अंदर,
देखिए हमने भी काफ़ी टाइम से, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं 16वें 17वें प्रधानमंत्री हैं मेरे ख्याल, हम देखते देखते, मगर ये कुछ 10-12 सालों में ना राजनीति ने बहुत तगड़ा वाला मोड़ ले लिया भाई साहब। पहले कुछ होता था, आपने कांग्रेस को जिताना है आप वोट डाल के आते थे, बीजेपी को जिताना है, अब ना कुछ मेंटली दिमाग ऐसा हो गया कि वो राम मंदिर के ऊपर या धर्म के ऊपर या कोई उसका नाम के हिंदू मुस्लिम के ऊपर, व्हाट इज दिस यार, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ना कि पीछे रहना चाहिए, हम लोग इन चीज़ों पर रह रहे हैं। तो ये चीज़ें मत देखिए, हमने G20 में 20 देशों को बुलाया है, वहाँ की कंट्री कैसे तरक्की करती है, हमें उनकी टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए। चाइना 5 साल 10 साल 20 साल हमारे बाद आज़ाद हुआ और तो कह रहा है कि आपने खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया, G20 बेकार किया है, पहले जो ओवर बजट है ओवर बजट खर्चा कर दिया। देखिए वो तो मैं समर्थन करूँगा जिसने भी कहा कि उनके बाप दादा का पैसा नहीं होता, वो हमारे तुम्हारे टैक्स का पैसा होता है, इनको आग लगानी है। अब मैं ये कल परसों न्यूज़ देख रहा था, कनाडा के साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं, वो है अपने साहब को दूध पिलाया, साहब को जितना मर्जी दूध पिलाइए वो डसेंगे, ये अंग्रेज हैं भाई साहब, खून वही है इनका 1947 से पहले वाला ही, ये जितना मर्जी आप इनके चरण भी धो लेंगे एंड में इन्होंने आपको डसना ही है। तो ये मेरे कहने का साफ मत बोला है, इन्होंने करारा जवाब नहीं दिया है जो उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, वीज़ा जो लगेगा नहीं। देखो अब तो दोनों तरफ से फाइट चल रही है, उन्होंने इंडिया का वीज़ा बैन कर दिया, हमने कनाडा का वीज़ा बैन कर दिया, व्यापार हमने उनके साथ बंद कर दिया। तो ये आने वाले टाइम में ना जो मेरी अपनी सोच है, जैसे कि उन्होंने हरकतें करी है, ये दूसरा पाकिस्तान होने जा रहा है कनाडा भी। अच्छा, ये मेरे कहने का मतलब क्या लगता है कि ये जो अभी मुद्दा चल रहा है जो कनाडा से चल रहा है अभी भारत को लेके, तो क्या लगता है ये ठीक है, इसके अंदर क्या राजनीति है? नहीं सर, ठीक तो नहीं है, नुकसान है बहुत ज़्यादा हमारे भारत को। हाँ। और हमारे बच्चे भारत के वहाँ गए हुए हैं और सबसे बड़ा नुकसान हमारा, अब वहाँ पर 7 लाख बच्चा तो हमारा जो है ऐसे है और 2.5 लाख के करीब तकरीबन मेरा ख्याल है वो स्टूडेंट्स है वहाँ पर, और उनका क्या, अब यहाँ जो बैठे हूँ जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो हमारा क्या हाल, उन माँ बाप का क्या हाल, उनका क्या, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। आज हर मतलब माँ बाप तड़प रहा है उनके लिए कि कल को क्या होगा। तो ये जो हम ये नहीं कहते ये पॉलिटिक्स है, हम ये नहीं ये कहते, मगर ये जो दोनों पक्षों में हो रहा है हमें ये अच्छा नहीं लगता, इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकलना चाहिए। और इसमें जो है कोई बात इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं है, ये होता चलता है, चलो बातें चीतें तो होती हैं, ऐसा भी होता है, पर इसमें मतलब जो है ना बहुत भाईचारे से ये काम होना चाहिए और बहुत उचित उचित मुद्दा जो गर्मा रहा है ये राजनीतिक है, इसके अंदर आम आदमी को तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कनाडा के जो फाइनेंशियली है वो लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो सारे जो भारतीय हैं उनको वापस भेज नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे नागरिक हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कनाडा को नुकसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नुकसान है। अब देखो मेरा ख्याल वो कल की खबर है कि महिंद्रा ने कंपनी बंद कर दी, ऐसा हो गया, तो अगर ऐसा होने लगा नुकसान हमें भी और उनको भी, कितना वो कमाते हैं कितना वहाँ का बनाते हैं। सर भारत को कोई अगर ऐसे नज़रों से देखेगा तो उसको करारा जवाब नहीं मिलना चाहिए जी, भारत हमारा, भारत जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, कनाडा को करारा जवाब, सारे जने उसमें क्या है, कनाडा जो मर्जी कहते रहे मगर भगत तो भारत तो जिंदाबाद रहेगा, रहेगा उसके बारे में। बाकी रही ये कि मगर जो भाईचारा बना हुआ था, जो या बच्चे जा रहे थे उनका उपहार था, कंपनियां जा रही, ये बन जाए तो हमें अच्छा लगेगा, मगर हम इसमें मतलब ये नहीं चाहते कि तफरका रहे कोई ऐसी बात। सवाल यही था कि अगर भारत को कोई इस तरह से नज़रों से देखता है या फिर कुछ गलत करने की कोशिश करता है राजनीति में, क्योंकि भारत ने अपने आप विश्वगुरु की तरह कगार पर है, ठीक है विश्वगुरु कुछ लोगों का कहना है कि बन ही चुका है, लेकिन अगर कोई इस तरह की नज़रों से देखता है तो उसको एक करारा जवाब तो मिलना चाहिए। नहीं वो तो देना चाहिए, सर बन चुका है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो कनाडा है ना वो नेचुरली बता रहा हूँ ये पंजाब चला रहा है, कनाडा सरकार नहीं चला रही, ये पंजाब चला रहा कनाडा को, आज वहाँ से कनाडा से हर इंडियन हर पंजाब का शख्स निकल जाए, मुझे नहीं लग रहा कनाडा हमारे देश के नक्शे में भी एक कनाडा देश था। ये मेरे कहने का, मैं इनकी भी पीड़ा समझता हूँ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यार, हम लोग कैसे अपना सर्कल करेंगे, अब हम लोग 20-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, हम बस गए वहाँ पे जाके, हम अपने फ्यूचर को एकदम तो कुछ नहीं कर रहे, मगर इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, हो सकता हम भगवान से दुआ करेंगे कि दोनों संबंध अच्छे हो जाए। मगर एक बात आपको और कह के जा रहा हूं मैं, जब शीशा टूट जाता है ना एक बारी जोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, ये भगवान करे कि ऐसे हालात ना बने। जय हिंद जय भारत।